टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना लज्जतदार लजीज खाना वो बना सकती हैं, पर जब मुझे पता लगा और सब ने तारीफ़ की और जब हुकमजन जी बोलते हैं कि हम डिनर पर आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बिकॉज व्हाट विल आई शो, बिकॉज हमारी जो कमराडरी है और जो सारा कुछ है दैट इज़ नॉट सो गुड हमारे आपस के बीच में। तो जब वो आएंगे तो उसको वो फेक बनाना और वो जेस्चर्स लेना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट वाज आई वाज टेंस्ड, बट अदरवाइज द फूड वाज टेस्टी। आई डोंट नो, आई विल हैव टू गो होम एंड देन डिसाइड कि भाई एग्जैक्टली मैं करूँगा तो करूँगा क्या, पर आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालूंगा, बिकॉज अब हुकमजन जी ने बोल दिया है तो घर तो आएंगे ज़रूर। वो आएंगे तो आगे का सोल्यूशन क्या है और करेले बनेंगे या दोबारा से या फिर मेहर उनको सिखाएगी, आई हैव टू डिस्कस दैट विद मेहर इटसेल्फ। उन्होंने सॉरी बोला था कि जो पिछली बार जब उन्होंने टिंडे बनाए थे और उसमें मैंने उनको बोला था कि आप दूरियां बना के रखो परम से, बट परम समहाउ चिकन मांगता है बट उसको टिंडे मिल जाते हैं, जो कि मैं ही बोलता हूँ कि आप जो नहीं उसे नहीं पसंद है वही उसे बना के दीजिए। तो बट मेहर फिर ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर की वो जो अच्छी पॉजिटिव वो है, एक माँ है, वो आ जाती है और वो बोलती है कि तुम इससे सुपर हीरो बन जाओगे उसको टिंडे खिलाने के लिए, और वो उसी से बहुत इंप्रेस हो जाता है। एंड आई अगेन गेट चैटर्ड और मैं बोलता हूँ कि यार ये तुमने क्या किया, बस उसी का भरपाओ ये टिंडे करेले भेजे उन्होंने बना के सॉरी बोलने के लिए। नहीं फंसना नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग कि भाई वो जितनी दूरियाँ बनाए उतना मेरा वही अभी टास्क है, ये वाली चीज़ करना कि जब तक मेहर यहाँ से चली नहीं जाती हमारे घर से उससे पहले अगर उनमें अटैचमेंट ना हो तो वो ज़्यादा बेटर है, बस मैं इसी कोशिश में लगाऊँ। बिकॉज येस मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा, आप आते हो यहाँ पे हमारी स्टोरीज कवर करते हो एंड यू गिव दैट टू ऑडियंस, ऑडियंस इतना लाइक करती है, उन्हें हमारे शो को इतना पसंद कर रही है। ऑल इन ऑल यू नो आई जस्ट लाइक टू थैंक यू गाइज फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव, और देते रहिए और हम और मेहनत करते रहेंगे और अच्छे सीन्स बनाते रहेंगे। Are you asking Meher or are you asking Nimrit? Firstly that. Personally, I hate cooking because I think मैं एक foodie हूँ जिसको खाना खाना पसंद है but kitchen में घुसना बिल्कुल नहीं पसंद। तो I think जो चीज़ें मैंने सोची थी मैं life में कभी नहीं करूँगी वो as Meher मुझे करने को मिल रहा है, which is also exciting. So मैं सरबजीत जी के लिए खाना बना रही हूँ एंड मैं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं प्यार से बना रही हूँ कुछ बना रही हूँ, इट्स जस्ट अ सिंपल जेस्चर, क्योंकि उन्होंने जब यू नो मेरे डैडी जी के फ्रेम जो उनकी फ़ोटो फ्रेम थी वो टूट गई थी तो वो ही वॉज थॉटफुल इनफ कि वो मेरे लिए वो ठीक करके लेके आए, एक नया फ्रेम लेकर आए एंड मैंने खामखा यू नो जो भी हमारी कन्फ्यूजन हुई थी हनीमून पैकेज को लेकर उस सब में आई फेल्ट कि मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था। So you know just to make it up to him and it's just my way of saying sorry and apologizing to him. So just a छोटा मोटा gesture कि मुझे पता चला कि उनको करेले बहुत पसंद है, भरे हुए करेले, so I thought मैं वही बना के टिफिन भेज दूँ। सॉरी ही है, there is no romance blooming or anything. I think एक relationship जो mutual understanding के basis पे होता है या you know जिसमें mutual respect रहती है, you can also say it's a kind of friendship. यू नो ये जो छोटे मोटे जेस्चर्स हैं आप अपने दोस्त के लिए भी कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स हम एक दूसरे को उस नज़र से नहीं देखते हैं तो ये कहना कि वो प्यार हो गया है और प्यार होने में बहुत वक्त लगता है यू नो सो।